अब बता क्या लेना। रोटी चाहिए। क्या खा के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तकरीबन 12 बजे क्लास से वापस आया था, अभी नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, कपड़े चेंज किए आज, तो मैंने सोचा आज व्लॉग भी शुरू कर लें, क्यों काफ़ी दिन हो गए आप दोस्तों से बात किए हुए, क्यों मसरूफियत की वजह से टाइम काफ़ी कम मिलता है, पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं जिसकी वजह से मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा शुरू हो रही है। बिल्ला किधर है? ऊपर किधर है? ना हुआ तो बिल्ला नहीं है, मुर्गी है। कल व्लॉग शुरू किया था तो जैसे मैंने शुरू किया है तो मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे अब्बू जान आ रहे हैं खानेवाल से, तो व्लॉग शुरू करने के बाद मुझे घर से कॉल आई है कि अब्बू जान आ रहे हैं उखाड़ा में, क्यों उनके कोई क्लास फेलो थे तो वो फोत हो चुके थे, उनके जनाजे में आना था उन्होंने, तो बस उसके बाद बाईपास पे गए हैं, उनको ले कर आए हैं, बस उनको कब्रिस्तान ले कर जाना था, फिर उसके बाद खाना वगैरह, फिर उसके बाद उनको फिर दोबारा छोड़ के आए हैं अड्डे पे। बस इसी चक्कर में लोग को दोबारा हाथ नहीं लगाया मैंने। ए दुआ, ए दुआ, ए दुआ, क्या कर रही? ये क्या लगाया हुआ? ये क्या लगाया हुआ? गंदी बनी हुई है, धोना नहीं? ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? अब बता क्या लेना। रोटी चाहिए। क्या खा के? रोटी। तो लेना क्या है? हैं? बोलती नहीं है। क्या लेना है? साइकिल। किधर है? चल निकाल उसको। नहीं आप निकाल लोगे? चल इकट्ठे निकाल दे। आप आलो। हैं? आप आलो। क्यों आपसे नहीं उतरते हैं? नहीं, नहीं? तो सही है क्या? ऊपर रख दूँ? आप ऊपर रख दूँ? नहीं, नहीं गिर जाएगी। ये भी ना केक की तैयारी हो रही है, अभी सामान तैयार कर रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है, पहली ट्राई है इसमें, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, क्यों हमारे पास वो दूसरी मशीन नहीं है फेंटने वाली, तो हम इसको जूसर में ही फेंट रहे हैं अंडा और जो घी वगैरह, तो बस थोड़ा सा और फेंटने के बाद इसको निकालेंगे और फिर उसके बाद इसमें ये मैदा डालेंगे। किधर घूम रहा पहले ये बता बिल्ला? ये रो रहा है, ये घूम रहा है। समझ भी लांदा रहा ना, ना। ये मैदा ही थी ना? क्यों आटा लग नहीं रहा? की लग रहा सूजी नहीं बरीक पीसी, पता नहीं चलता इन्हों का। ये
ये तैयार हो चुका है, तो केक हम इसमें बनाएंगे क्योंकि कोई और चीज़ नहीं हमें मिली बनाने के लिए। तो अभी बस थोड़ा सा और इसको फेंटेंगे अभी, तो फिर इसको ओवन में बनाएंगे हम। तो ये बना केक देखें कितना नरम है। बहुत ही नरम बना ये। माशाल्लाह केक हमारा बहुत मज़े का बना था, नरम भी और अच्छा बना था। बस एक वनीला सेंस है जो उसकी कमी थी, क्यों वो हमें यहाँ से मिला नहीं था आसपास से, तो इस वजह से कुछ उसकी अंडों की जो हमक थी ना वो थोड़ी सी हल्की सी आ रही थी, क्यों उसकी हमक उसी से दूर होती है। तो वैसे वो बहुत मज़े का बना था और नरम भी बना था, बल्कि वो ख़त्म भी हो चुका है। उस वक्त मुझे बस बनाने के बाद थोड़ा सा चेक किया मैंने, और मेरी क्लास का टाइम था, मुझे जाना था क्लास में, तो अभी वापस आया हूँ। तो बस अभी टाइम मिला आप दोस्तों से कुछ बात करने का, तो अभी क्लास से वापस आया हूँ। मैंने कहा चलो उसके बारे में कुछ आपको बता देंगे कैसा बना है। दोबारा भी उसकी ट्राई करेंगे हम, वो भी उसके साथ वनीला सेंस है ना उसको लेके आएंगे, तो फिर उसके साथ उसकी ट्राई करेंगे। ये तो बस वैसे ही इसका तजर्बा किया था हमने कि कैसा बनता है, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बना है। अब हम जब बनाएंगे तो इसमें वो अशरफियाँ जो होती हैं मुरब्बा टाइप वो भी डालेंगे, और बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल करेंगे कि इसको और बेहतर करके फिर बनाएंगे। क्यों केक बनाने का तो पता चल गया, बस बाकी सामान अब हम आगे से डालेंगे और मज़ेदार बनाएंगे। मगरिब का टाइम होने वाला है, तो अभी फिर क्लास का टाइम हो रहा है मेरा, तकरीबन अभी मगरिब के बाद क्लास शुरू होगी मेरी। तो पहले मेरी ईशा के बाद की छुट्टी थी, लेकिन आज से वो भी ख़त्म है, बस जनवरी की आखिर तक थी वो। तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं, एक माह रहता है, तो उसकी वजह से भी जो ये छुट्टियां ये ख़त्म हो रही हैं। तो आज तकरीबन 9 बजे छुट्टी होगी रात की, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और जो केक बना है उसके बारे में भी कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप दोस्तों का कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।